हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है श्रीकृष्ण फ्रॉम SMS जयपुर। और गाइस, अब अपन लाए हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर पे वीडियो। गाइस, इससे पहले अपने जो वीडियो देखी थी वो थी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन, और अब अपन देखेंगे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। ठीक है गाइस, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन पे लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और शॉर्ट कम मतलब वो क्या कहते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछ सकता है बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, बफर नर्व्स, CNS सिस्टमिक रिस्पॉन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने ज़्यादा किया क्योंकि ये पूछता है, बच्चों को आता नहीं है। वैसे इंपॉर्टेंट तो ये भी बहुत है, बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स, कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। कशिंग रिएक्शन ये भी पूछा जाता है, ये वाइवा में पूछ लेते हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या रहेगा इस वीडियो का, पहले मैं इंट्रोडक्शन और फीचर्स बताऊंगा, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म रेगुलेशन गाइस, जिसको भी कह लो ना शॉर्ट टर्म रेगुलेशन बताओ, वो मेनली तीन पॉइंट बताएगा, ठीक है, जो एक ही जन में लिखे हुए, पर मैं आपको सात पॉइंट्स बताऊंगा। एक अच्छा आंसर फुल नंबर चाहिए हो तो आप सातों पॉइंट लिख के आएंगे, ठीक है। कुछ माइनर पॉइंट्स है वो भी डिस्कस कर लेंगे, और लास्ट में मैं वो सातों पॉइंट की आपको समरी बता दूंगा। समरी मतलब ऐसा नहीं है कुछ आर्ट वर्ट बनेगा, लेकिन सातों पॉइंट आपके दिमाग में बस जाएंगे, मतलब कीवर्ड लिखेंगे अपन तो उससे आपको याद हो जाएगा। गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, अगर आप नए हो चैनल पे तो नहीं करोगे, जो पुराने हैं उनको तो मालूम है आई एम ग्रेट। मजाक करो गाइस, ग्रेट तो कुछ नहीं, आप लोगों का आशीर्वाद है, मतलब आप लोग देखते हैं सुनते हैं आपको अच्छा लगता है इसलिए तो मैं हूँ, वरना आप लोग ही मतलब मेरे को नहीं पूछते हैं, डिसलाइक करते हैं वीडियो को, तो मैं आज क्या होता, ठीक है। सो आप लोगों को थैंक यू। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो लेट्स डू दिस। तो गाइस, सबसे पहले शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में अपन देखें तो देखो गाइस, इसके अगर फीचर्स की बात करें, ठीक है, तो पहली बात तो ये बहुत धीरे स्टार्ट होता, मतलब धीरे क्या, सॉरी, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन क्या था, धीरे स्टार्ट होते थे, और ये जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है ये वेरी रैपिडली, ठीक है ना, विद इन सेकेंड्स काम करते, और बहुत जल्दी से प्रेशर, जो जो ज़्यादा प्रेशर चेंज है ना, जैसे मतलब प्रेशर को बहुत ज़्यादा गिरने से या बहुत ज़्यादा बढ़ने से रोकते, ठीक है। तो ये एक बात शॉर्ट टर्म रेगुलेशन की। दूसरी बात क्या है, जैसे ये जनरली अपन कब देखते हैं गिरना, ज़्यादा गिरता है कब, ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये इस टाइम काम आता है, कब, जब सडन चेंज होता है बॉडी पोस्चर में, ठीक है ना, तो वहाँ पे अपना शॉर्ट टर्म रेगुलेशन काम करता है, ठीक है। और कुछ भी मान लो, ये ब्लीडिंग हो रही है कहीं ज़्यादा, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन फटाफट उसको मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। एक और बात, अच्छा, ये शॉर्ट टर्म रेगुलेशन वाले जो भी जैसे रिसेप्टर है, मेनली है बैरो रिसेप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के लिए, सबसे अच्छा शॉर्ट टर्म रेगुलेशन यही करता है फटाक से, तो जो, लेकिन इनका क्या है, बैरो रिसेप्टर का एडेप्टेशन हो जाता है। मान लो जैसे अगर प्रेशर चेंज रहा दो दिन तक, ठीक हो ही नहीं रहा, तो वो बैरो रिसेप्टर एडेप्ट हो जाता है उस प्रेशर पे, मतलब अब वो रेगुलेट कर ही नहीं रहे, इसलिए तो क्या कहते हैं शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो है ब्लड प्रेशर का, उसे वो क्या करता है, कंट्रोल करता है ब्लड प्रेशर को कुछ जल्दी से और कुछ टाइम तक के अंदर ही, जो कि लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है वो रेगुलेट करता है। दोनों वर्ड्स में जमीन आसमान का फर्क है, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, वाइल लॉन्ग टर्म रेगुलेशन रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। गाइस, आया समझ में, यही तो खासियत है चैनल की, ठीक है गाइस, आया समझ में। तो अपन स्टार्ट करते हैं, सेवन पॉइंट्स रहेंगे, एक एक करके अपन देखेंगे फटाक से, ठीक है, स्टार्ट है। सबसे पहला बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है यार, पेन नहीं चल रहा, ठीक है, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स। सो गाइस, जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स ये बेस्ट नोन है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंदर, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये इसके अंदर ये बैरोरिसेप्टर्स क्या है एक्चुअली, ये की सब क्या चीज है बैरोरिसेप्टर्स, मतलब सॉरी, मैं कहना चाह रहा हूँ बैरोरिसेप्टर्स को और क्या कह सकते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ये एक तरह के क्या है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, ठीक है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, या दूसरा कह लो ये हुए प्रेशर रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये एक तरह के प्रेशर रिसेप्टर्स है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, और मतलब समझ गए ना आप लोग, ठीक है, तो ये कह सकते हैं। और ये मेनली मतलब किस रेंज में ज़्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, डेट इज 60 to 200 mm Hg में। अगर इस रेंज के अंदर कहीं चेंज आ रहा है, मान लो 90 mm Hg किसी का ब्लड प्रेशर चल रहा है, वो अचानक से 150 हो गया, तो बैरोसेप्टर की कैटेगरी में बहुत फटाक से उसको एक्टिवेट करेगा, मतलब जल्दी जल्दी संभाल लेगा, शॉर्ट टर्म रेगुलेट कर लेगा बैरोसेप्टर, ठीक है। अब देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो एक स्टिमुलस है,
और अपना यहाँ पे स्टिमुलस मैंने लिया इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, ठीक है। और रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड होता है, ठीक है, एक डायग्राम मैं बना देता हूँ फटाक से, वहां से आप समझ जाओगे कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। जैसे ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, और ये उसका बायफरकेशन, सॉरी ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और ये उसका बायफरकेशन, ठीक है। एक्सटर्नल ये हो गया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो और ये आप देख रहे हो यहाँ पे एक डायलेटेशन टाइप है, इसे कहते हैं कैरोटिड साइनस, और यहाँ पे एक बॉडी होती है जिसे कहते हैं कैरोटिड बॉडी। ये कैरोटिड बॉडी होती है कीमो रिसेप्टर के लिए, और ये होता है अपने बेल रिसेप्टर के लिए, कैरोटिड साइनस है अपने बेल रिसेप्टर के लिए। और यहाँ से ये जो नर्व जा रही है इसे कहते हैं हेयरिंग नर्व्स, HERING, हेयरिंग नर्व्स, और वो जाती है फिर अटैच होती है ग्लोसोफेरिंजल नर्व से, 9th, ठीक है। तो ये छोटा सा एक डायग्राम बताना चाह रहा था, ठीक है। तो ये जो रिसेप्टर है, अच्छा एक बात जानना, बेल रिसेप्टर ऑलमोस्ट हर लार्ज आर्टरी में होता है, ठीक है ना, जितनी भी लार्ज आर्टरी सब में प्रेजेंट है, लेकिन मेनली ये प्रेजेंट है अपने कैरोटिड साइनस में, ठीक है, मेनली प्रेजेंट है कैरोटिड साइनस में एंड वॉल ऑफ आउटा आउटिक आर्च, ठीक है। तो कैरोटिड साइनस वाला तो होगा कैरोटिड बेल रिसेप्टर, आउटिक आर्च वाले हो गए आउटिक बेल रिसेप्टर, ठीक है। तो स्टिमुलस अपने देख लिया था क्या इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर है, ठीक है। तो और अफरेंट नर्व कौन सी होगी, वो भी आपको मैंने बताई कौन सी नर्व ले जा रही है, अफरेंट नर्व होगी अपनी हेयरिंग नर्व, ठीक है, हेयरिंग नर्व जो ले जाएगी ग्लोसोफेरिंजल से, और ये कहाँ से आती है कैरोटिड साइनस से, कैरोटिड साइनस से जो ले जाएगी वो होगी हेयरिंग नर्व, और जो वेगस नर्व है डेट इज 10th क्रेनियल नर्व वो ले जाएगी आउटिक आर्च से, ठीक है, आउटिक आर्च से ले जाएगी अपनी, सॉरी वेगस नर्व क्या उसको कहेंगे डिप्रेसर नर्व, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया अफरेंट नर्व, और इंटीग्रेटिंग सेंटर का है कहाँ पे, ये सब जाके ले जा कहाँ रही है, कहाँ पे वेजोमोटर सेंटर पे, वेजोमोटर सेंटर को मैं शॉर्ट में लिखूंगा VMC, डेट इज न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सॉलिटेरस, ठीक है ना, यहाँ पे ले जाएगी, ठीक है। यहाँ से सेकेंडरी सिग्नल्स जो है वो क्या करेंगे, जो वेजो मतलब सेकेंडरी सिग्नल्स क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, इनहिबिट वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर इन मेड्यूला, ठीक है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर जो सेंटर है मेड्यूला के अंदर उनको, और एक्साइट करेंगे वेगल सेंटर को, ठीक है, वेगल पैरासिंपेथेटिक सेंटर को एक्साइट करेंगे। तो और फिर इफेक्ट कहाँ देखने को मिलेगा, इफेक्टर ऑर्गेन मेनली क्या है, हार्ट और ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये मैं आपको जानबूझ के इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ गाइस, जिससे आप लिखो लिखे भी एग्जाम में अच्छे से आऊंगा और टीचर्स नंबर भी देंगे और आपके कंसेप्ट भी अभी से क्लियर हो जाएंगे। और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या रहेंगे, वही बीपी का नॉर्मल पे आना, ठीक है ना, बीपी वो क्या, सॉरी बीपी बढ़ गया था ना, तो बीपी नॉर्मल हो जाएगा, कैसे करके, हार्ट रेट कम हो जाएगी, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी, जो वैसोडायलेशन अपन ने कराए, वैसोडायलेशन होगा उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। और ये मैंने अभी स्टिमुलस लिया था इंक्रीज आर्टेरियल प्रेशर, सारे इफेक्ट्स उल्टे हो जाएंगे, किस केस में, अगर मान लो लो प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तो सारी चीजें उल्टी चलेगी, वापस को नॉर्मल पे लाएंगे, प्रेशर को हल्का सा बढ़ाएंगे जिससे बीपी नॉर्मल हो जाए, ठीक है। और ये जो बैरोरिसेप्टर्स है, ठीक है ना, तो ये क्या कर रहे हैं एक तरीके से, ना तो ये आर्टरी आर्टरियल प्रेशर को बढ़ने दे रहे ना कम होने दे रहे, और ये एक अच्छी रेंज को कवर करते हैं 60 to 200 mmHg, जो कि जरूरत है जिसकी अपन को, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, प्रेशर बफर सिस्टम, इस बैरोरिसेप्टर सिस्टम को कहते हैं प्रेशर बफर सिस्टम, ठीक है। और ये जो नर्व्स जो ले जा रही है बैरोरिसेप्टर से जा रही है उनको कहेंगे बफर नर्व्स। तो एक क्वेश्चन आता है ना बफर नर्व, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है, और बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये था बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, सेकंड अपन देखेंगे, सारे इतने बड़े नहीं है, ठीक है ना, बैरोरिसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको डीप में पढ़ाना जरूरी था मेरे लिए, सब मैं आपके लिए करता हूँ, ठीक है ना, मेरे लिए कुछ नहीं है ये सब। सेकंड अपन देखेंगे कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स।
कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। देखो कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स है वो अच्छे से ऑपरेट करता है 40 to 100 mm Hg की रेंज में, ठीक है। स्पेशली मतलब जब 80 mm Hg से नीचे जाता है ना तब कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स काम करता है। वैसे कीमो रिसेप्टर जो है वो रेस्पिरेशन में ज्यादा रोल प्ले करते हैं ना, रेस्पिरेशन के कामों में, लेकिन ये अभी अपना टॉपिक नहीं, अपना टॉपिक सीवेज से रिलेटेड है, इसलिए मैं कीमो रिसेप्टर का रोल ब्लड प्रेशर से रिलेट करके बता रहा हूँ, ठीक है। और ये जो कीमो रिसेप्टर्स है, ठीक है, ये कीमो सेंसिटिव है, मतलब ये वैसे सेंसिटिव किस चीज के लिए, टू लो ऑक्सीजन या हाई CO2 और H+ आयन्स, या तो ऑक्सीजन कम हो या CO2 या H+ आयन्स ज्यादा हो, तो ये उसके लिए सेंसिटिव है, ठीक है। अगला भाई आप देखो स्टिमुलस अपन एक बार के लिए मान लेते हैं, इस बार अपन लेते हैं मान लो ब्लड प्रेशर कम हो गया, ठीक है, बीपी गिर गया, और तो इसके जो रिसेप्टर है वो कहाँ पर है, मैंने अभी आपको बताया था कैरोटिड बॉडीज जो बताई थी ना, कैरोटिड साइनस के ऊपर और aortic bodies, ठीक है, जो कि aortic arch में मिलेगी, ठीक है, वहां पे प्रेजेंट है इसके रिसेप्टर, ठीक है। और हर जो कैरोटिड बॉडी है जो भी मतलब ये कीमो रिसेप्टर है, ठीक है, ये न्यूट्रिएंट आर्टरी से सप्लाइड है, इसलिए इनके पास अबंडेंट ब्लड सप्लाई है जिससे ये अच्छे से मेजर कर पाए कि ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 या H+ आयन्स का क्या लेवल है, ठीक है। तो अब जैसे ही बीपी फॉल किया तो अब क्या होगा, कीमो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, किससे, ये ब्लड फ्लो जो डिक्रीज ऑक्सीजन हुआ है, क्योंकि अब ब्लड स्लो फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, वो अच्छे से मेजर कर पाएंगे कि ऑक्सीजन कितना है, क्योंकि जो CO2 बढ़ा है वो जल्दी से निकलेगा नहीं क्योंकि ब्लड स्लो फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग सेंटर कहाँ बनेगा, तो इंटीग्रेटिंग सेंटर अपना बनेगा वही वेजोमोटर सेंटर। वहां से क्या होगा, ये जो वेजोमोटर सेंटर है वो सिग्नल उसको एक्साइट करेंगे, ठीक है, वेजोमोटर सेंटर को एक्साइट करेंगे, और मतलब और भी जो पास में सिग्नल है, ठीक है ना, मेनली तो वेजोमोटर करेंगे, और जो पास में जैसे CVC दैट इज कार्डियोवेगल सेंटर, ठीक है, उसको करेंगे रेस्पिरेटरी सेंटर, मैंने आपको बताया ना ये भी उससे भी रिलेटेड है। ओवरऑल क्या इफेक्ट आने वाला है, जो बीपी जो कम हुआ था वो बढ़ जाएगा, ठीक है। वेजोमोटर सेंटर क्या करेगा, बीपी को बढ़ाएगा, कार्डियोवेगल सेंटर क्या करेगा, हार्ट रेट को बढ़ाएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करेगा, डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाएगा, तो ओवरऑल क्या होगा, बीपी बढ़ेगा ही, ठीक है। तो ये इतना ही था इसके अंदर कि दैट इज कीमो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, आ गया समझ में। अपन थर्ड देखेंगे, दैट इज लो प्रेशर रिसेप्टर्स, ठीक है। ये जो लो प्रेशर रिसेप्टर्स है ये कहां देखने को मिलते हैं, इन एट्रिया एंड पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, एट्रिया में और पल्मोनरी आर्टरी में देखने को मिलते हैं। लो प्रेशर रिसेप्टर क्यों, क्योंकि जो जिन एरियाज में प्रेशर लो रहता है वो ये वहां पे डिटेक्ट करते हैं कि कहीं प्रेशर बढ़ा तो नहीं, ठीक है, तो इसलिए इनका नाम है लो प्रेशर रिसेप्टर, ठीक है। तो मतलब लिख नहीं रहा आगे ना, समझ में, जहां पे लो प्रेशर एरियाज है वहां पर प्रेशर चेक करते हैं, और ये भी उसी तरीके से काम करते हैं जैसे बैरो रिसेप्टर काम करते हैं, सेम एज बैरोसेप्टर, ठीक है। इसका प्रेशर भी उस मतलब इसका मैकेनिज्म भी वैसे ही जैसा बैरोसेप्टर का है। लो प्रेशर मैंने बता दिया क्यों ऐसे लो प्रेशर कहते हैं। अगला है वॉल्यूम रिफ्लेक्स, वॉल्यूम रिफ्लेक्स जो है, ठीक है, ये मतलब एक तरीका एट्रियल रिफ्लेक्स है जो किडनी को एक्टिवेट करता है, एट्रियल रिफ्लेक्स डेट एक्टिवेट किडनी, ठीक है। तो एक तरह का वॉल्यूम रिफ्लेक्स है जो किडनी को एक्टिवेट करता है, क्लियर। तो अब देखो इसके अंदर क्या होगा, अब देखो एट्रिया का, देखो जैसे अगर मान लो स्ट्रेच हो रहा है एट्रिया, ठीक है, स्ट्रेच ऑफ एट्रिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो किडनी पे डायरेक्ट एक्ट करेगा, क्या करेगा, डायलिटेशन कराएगा एफरेंट आर्टेरियोल का, जो एफरेंट आर्टेरियोल है वो डायलिटेशन, उनका डायलिटेशन हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा, GFR बढ़ेगा और ज्यादा से ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा फ्लूइड का, ठीक है, जो कि अपन चाहते हैं, फ्लूइड का क्या करना, लॉस, क्योंकि क्या हुआ, स्ट्रेच हुआ एट्रिया का, स्ट्रेच हुआ मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया है, इसलिए फिल्ट्रेशन होना जरूरी है फ्लूइड का, जिससे ज्यादा से ज्यादा ब्लड वॉल्यूम बाहर निकले, एक्सक्रीट हो यूरिन में, और अपना ब्लड वॉल्यूम नॉर्मल हो, ठीक है। और क्या करेगा,
डिक्रीज या हाइपोथैलेमस पे जाएगा, हाइपोथैलेमस से क्या करवाएगा, डिक्रीज करेगा सिक्रीशन ऑफ एडीएच। एडीएच क्या करता था, एंटी डायरेटिक हार्मोन। डायरेटिक मतलब बार बार यूरेसिस करना, यूरिन आना, ठीक है। तो अब यूरिन ज्यादा मतलब एंटी, अब यूरिन आएगा। एंटी डायरेटिक मतलब ज्यादा यूरिन ना आने देना, ठीक है। अब ये नहीं होगा तो यूरिन ज्यादा आएगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म अपन एंडोक्राइन में देखेंगे। अब मैं पूरी कथा एक बार में नहीं समझा सकता ना, एडीएच का फंक्शन, ठीक है। तो एक तो किडनी पे एक्ट किया, एक हाइपोथैलेमस पे एक्ट किया, ठीक है। और एक क्या करेगा, रिलीज ऑफ एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। ये भी क्या करता है, ये भी एक्सक्रीशन कराता है फ्लूड का। तो देखो, डायलेटेशन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल, इसकी वजह से एक्सक्रीशन हुआ फ्लूड का। एडीएच नहीं आया तो भी एक्सक्रीशन होगा फ्लूड का, क्योंकि एडीएच फ्लूड को लॉस होने से रोकता है, तो यहाँ भी फ्लूड लॉस होगा। और एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड ये लॉस कराएगा फ्लूड का। ओवरऑल स्ट्रेच फिर एट्रिया नहीं होगा, क्योंकि एट्रिया स्ट्रेच हुआ तभी तो ये सब काम कर रहा है। फिर इसके बाद एट्रिया स्ट्रेच नहीं होगा, दैट इज, ठीक है ना। तो इसके बाद एट्रिया स्ट्रेच नहीं होगा और अपना जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है वो काम कर गया एक तरीके से। तो मतलब स्ट्रेच ऑफ एट्रिया ने क्या करा है, लॉस ऑफ फ्लूइड एंड लॉस ऑफ फ्लूइड एंड कंट्रोल ऑफ ब्लड वॉल्यूम, ठीक है। इसलिए इसका नाम है वॉल्यूम रिफ्लेक्स। आई बात समझ में? ये 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट और है, क्या करता है स्ट्रेच ऑफ एट्रिया, फोर्थ पॉइंट, डेट इज बीन बिज रिफ्लेक्स। मालूम है ना आपको, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बता चुका हूं कि जैसी स्ट्रेचिंग होती है एट्रिया की, तो हार्ट रेट वो बढ़ा देता है एट्रिया, ठीक है। तो क्या आएगा, बीन बिज रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। डेट इज स्ट्रेचिंग ऑफ द एट्रिया लीड्स टू इंक्रीज इन हार्ट रेट। तो ये था अपने वॉल्यूम रिफ्लेक्स। अब अपन पांचवा देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, सीएनएस इस्चिमिक रिस्पॉन्स। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना इसके अंदर क्या हो रहा है। तो गाइस ये क्या है, ये बहुत एट्रियल प्रेशर को बहुत झटके से बढ़ा देता है अगर सेरिब्रल इस्चीमिया हो रहा है, ठीक है ना। मान लो सेरिब्रम तक या ब्रेन तक इस्चीमिया हो रहा है तो एट्रियल प्रेशर को बहुत झटके से बढ़ा देगा। तो ये ऑपरेट कब करता है, ऑपरेट बिटवीन 15 to 50 mmHg, ठीक है। अगर ब्लड वॉल्यूम 50 mmHg से भी गिर रहा है, ठीक है ना, तो ये ऑपरेट करेगा, ठीक है। 50 mmHg मतलब समझ रहे हो, मतलब वो इंसान मरने वाला है 15 से 50, इसलिए इसको कहते हैं इमरजेंसी प्रेशर कंट्रोल सिस्टम। इसको कहते हैं इमरजेंसी प्रेशर कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। एक और इसका नाम है लास्ट डिच स्टैंड, मतलब ये आखिरी उम्मीद है जो बॉडी को बचाए रखेगी, वरना अगर बीपी गिर गया तो इंसान की डेथ होनी है, इतना गिर जाएगा तो पक्का होगी। तो ये लास्ट डिच स्टैंड कहते हैं, मतलब ये आखिरी उम्मीद है जो इंसान को जिंदा रखती है, ठीक है। लास्ट डिच स्टैंड प्रेशर कंट्रोल मैकेनिज्म, ठीक है। ये तो एक दो नाम थे, ये बता दिए। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो बीपी फॉल हो रहा है, ठीक है ना, फॉल इन बीपी, मान लो 50 mmHg से कम, ठीक है। तो क्या होगा, सीएनएस इसी में हो गया, अपने ब्रेन तक ब्लड सप्लाई बहुत कम हो गई, तो क्या होगा, CO2 एक्यूमुलेशन होगा वेजो मोटर सेंटर पे, क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है वेजो मोटर सेंटर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, जो वेजो मोटर सेंटर से अटैच्ड न्यूरॉन्स है, दैट इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर न्यूरॉन्स एंड कार्डियो एक्सीलरेटर न्यूरॉन्स, ये क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये इतने हाईली एक्टिवेट होते हैं कि हार्ट अपनी मैक्सिमम जितना जितना ताकत से पंप कर सकते हैं ना, उतना पंप करता है। तो हार्ट कैन पंप, हार्ट पंप टू इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, टू इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी, जितना कर सकता है इतना जोर से करता है और बीपी को नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया बीपी नॉर्मल, पर ये बहुत कंट्रोवर्शियल केस है कि इंसान बचता है कि नहीं बचता। हालांकि ये बचाने के लिए रखा गया है शॉर्ट टर्म रेगुलेशन, कि जितना अगर अचानक से इतना गिर रहा है तो वैसे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं रिस्पॉन्स, लेकिन ये देखता है, ठीक है ना, ये देखा है, ठीक है। तो ये था सीएनएस इस्केमिक रिस्पॉन्स। छठा है कशिंग रिएक्शन। कशिंग रिएक्शन नाम से पता पड़ रहा है कि कोई चीज कश डोरी, कश मतलब पिचक रही है, ठीक है। अब वो क्या है,
ये कशिंग रिएक्शन कब देखने को मिलता है? जब CSF का प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। मान लो किसी भी कारण से CSF का प्रेशर बढ़ गया और वो आर्टेरियल प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब जो आर्टरीज जो ला रही थी किसमें जो ब्लड सप्लाई कर रही थी आर्टरीज ब्रेन के अंदर, अब वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचा नहीं पाएगी, सारे जो भी खाना है, जो भी ग्लूकोज है, जो भी पहुंचाना होता है, ठीक है, वो पहुंचा नहीं पाएगी क्योंकि CSF प्रेशर आर्टेरियल प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। तब अपना काम करता है कशिंग रिएक्शन। तो ये क्या कर रहा है एक्चुअली? फॉर प्रोटेक्टिंग वाइटल ऑर्गन्स ऑफ ब्रेन, फॉर प्रोटेक्टिंग वाइटल सेंटर्स ऑफ ब्रेन, सॉरी, ठीक है। तो वाइटल सेंटर्स बचाता है, क्लियर। अब देखो एग्जांपल, जैसे मान लो इंक्रीज हो गया CSF प्रेशर, CSF प्रेशर बढ़ गया, डेट इज CSF का जो प्रेशर है वो आर्टेरियल BP के बराबर हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब अपन मतलब उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन का कैसे होगा? अगर अब जैसे ये बराबर हो गया तो क्या करेगा, ये कंप्रेस करेगा आर्टरीज को, आर्टरीज को कंप्रेस करेगा, ब्रेन को कंप्रेस करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, कट ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्रेन की ब्लड सप्लाई को कट ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये एक्शन जो है ये क्या करवाएगा, वापस CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। मैंने आपको बताया ना, अगर जैसे ही ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी ब्रेन को तो क्या आ जाएगा, CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स। और उसके बाद तो आपको मालूम है कि कैसे कैसे करके आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अपनी बहुत झटके से और जल्दी से बहुत हाई हो जाएगा, और वापस अगर ये CSF प्रेशर से बढ़ गया, BP अपना CSF प्रेशर से बढ़ गया, तो वापस अपनी आर्टरीज ब्रेन को देने लग जाएगी। वैसे देखा जाए तो BP ज़्यादा बढ़ेगा तो CSF वापस बढ़ना शुरू होगा, लेकिन एक्चुअली शॉर्ट टर्म रेगुलेशन है कि शॉर्ट टर्म के अंदर अपन बॉडी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है जिंदा रहने के लिए। बाकी इसमें अपन को एक डॉक्टर की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो CSF वापस बढ़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब सातवां पॉइंट सुना सा ही होगा, बहुत आसान है, डेट इज स्केलेटल मसल पंप, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या बताऊं, आता ही होगा ये कब एक्चुअली काम करता है, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। अब मान लो अपन बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होता है, जो स्केलेटल मसल है उनके बीच में जो ब्लड वेसल्स चल रहे हैं वो कंप्रेस होते, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है वो पेरिफेरल वेसल से हट करके हार्ट की तरफ और लंग्स की तरफ जाता है, और उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। तो ये एक तरीके से स्केलेटल मसल एक पंप की तरह काम कर रही है, इसलिए इसको कहते हैं स्केलेटल मसल पंप। ये भी शॉर्ट टर्म रेगुलेशन के अंडर आता है, ठीक है। अब अपन, मैंने जैसे आपको कहा था कि समरी बता दूंगा, तो अपन समरी देख लेते हैं। अब आप लोग मेरे साथ साथ बोलिएगा, ठीक है, क्या है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, ठीक है। इसकी रेंज क्या थी, कितनी थी, 60 से 200 थी ना, हाँ 60 से 200 थी, और स्ट्रेच रिसेप्टर्स थे, ठीक है। दूसरा अपन ने देखा था कीमोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, इनकी रेंज क्या थी, 40 से 100। किसके लिए रिस्पॉन्सिव थे, हाइपोक्सिया या कह लो सी, जिसमें CO2 बढ़ रहा था, एक्सप्रेस बढ़ रहा था, ठीक है ना, ये था। अगला क्या था, लो प्रेशर रिसेप्टर, जो कि किसकी तरह एक्ट कर रहे थे, बैरोरिसेप्टर की तरह, ठीक है, ध्यान आ गया। ब्लड वॉल्यूम से मतलब ब्लड वॉल्यूम को ज्यादातर देखते हैं, मतलब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ये एक्ट करते हैं, क्योंकि जहां प्रेशर कम है वहां पर अगर बढ़ेगा तो ये काम करेंगे। फिर अपन ने देखा था एट्रियल रिफ्लेक्सेस, ठीक है, एट्रियल रिफ्लेक्सेस देखा था ना, किडनी पे एक्ट करता है, क्या क्या करा रहा था किडनी से, एक तो अफेरेंट आर्टेरियल रेजिस्टेंस, मतलब डायलिटेशन करा रहा था, अफेरेंट आर्टेरियल का डायलिटेशन करा रहा था, और जो एट्रियल नेट्रियूरेटिक पेप्टाइड जो है हार्मोन, वो भी स्पेक करके क्या करा था, इंक्रीज एक्सक्रीशन करा रहा था, देखा था ना अपने। फिर हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेगा ये अपना एट्रियल रिफ्लेक्स, और क्या कराएगा, ADH के सेक्रीशन को कम कराएगा, ठीक है। और एक देखा था अपने बेनब्रिज रिफ्लेक्स, ठीक है, क्लियर, ये हो गए 4 पॉइंट। पांचवा अपन ने क्या देखा था, याद करो CNS इस्केमिक रिस्पॉन्स, ठीक है, ये आखिरी उम्मीद होती है इंसान की, लास्ट डिच स्टैंड कहते हैं, 15 से 50 mmHg में काम करता है। छठा अपन ने देखा था कशिंग रिएक्शन, ठीक है,
वाइटल सेंटर को बचाने के लिए, और किस केस में काम करता है, सीएसएफ प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो। ठीक है, सातवां स्केलेटल मसल पंप। सो गाइस आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। और इसके बाद मतलब दो टॉपिक बाकी है मेनली, जो सीवेस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर देंगे मेरे चैनल पे, डेट इज एक तो सर्कुलेटरी शॉक्स और कुछ छोटे मिसलिनियस वर्ड्स आते हैं जैसे रेजिस्टेंस वेसल, विंड कैसल इफेक्ट और विंड कैसल वेसल्स। सो गाइस ये दो वीडियो भी डाल देंगे और अपना पूरा सीवेस की प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। हाँ बार बार तू, मैं कितनी बार बोलूँ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।